नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं विक्रम भाई की। इस वाली वीडियो में हम जानवर दिखाएंगे एक एक करके, कैसी क्या बकरी है, कैसा क्या ब्रीडर ले रखा है भाई ने। राम राम भाई। राम राम आदित्य भाई। अपना एक बार परिचय बताओ लोगों को, जैसे कि कोई नया देख रहा हो। अपना गांव गावड़ा है। हाँ जी। जिला हिसार है। हाँ हाँ। और हिसार से मेरा गांव 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ, तो बीटल नस्ल की बकरियाँ ले रखी है आपने? हाँ भाई, टोटली अपने पास बीटल है। कब से रख रहे हैं? 19 महीने हो गए भाई। 19 महीने हो गए। इस वाली वीडियो में हम दर्शकों को अपनी बकरियाँ दिखाएंगे। हाँ, दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम। एक बार दिखाओ अपनी बकरियाँ। अब जो नई बकरियाँ लाए उनमें देख लो पहले तो। हाँ हाँ, कब ले आए थे? अभी लाए हैं, 1.5-2 महीने करीबन हुए, 1.5 महीना हुआ। अच्छा। ये हैवी वेट की बकरी है, पूरी 39 इंच का दे फित्ता मार के। 39 हाइट है। कानों कुनों की लेंथ वगैरह, बॉडी वेट काफ़ी अच्छा है। प्रेग्नेंट है ये, 3.75 महीने की। अच्छा, काफ़ी अच्छी बकरी है, बिल्कुल फ्रेश दांत, 8 दांत फ्रेश। हाँ, कोई घिसावट पे नहीं, कोई कुछ नहीं। और कई एक मानसिकता खराब है कईयों की, कई ये बोलते हैं कि दांत भर गई तो बूढ़ी हो गई। दांत भरती है, 8 दांत पूरे करती है तो भाई बिल्कुल जवान होती है। हाँ, उस टाइम बिल्कुल जवान होती है। बूढ़ी तो देन 3-4 साल बाद फिर घिसावट पे दांत लाना स्टार्ट करती है। 20 साल की बकरियां हैं, वो भी बच्चे देने लग रही हैं अभी भाई। बिल्कुल, बकरी के दांत गिर जाते हैं ना तो भी अगर बच्चे लेने वाला इंसान होगा तो उससे 2 बार और बच्चे ले सकता है। हाँ हाँ। क्योंकि बकरी दांतों की बजाय जाड़ से जुगाड़ी करती है। हाँ हाँ। और अगर जाड़ साबित है ना बकरी की। हाँ हाँ। तो भाई 1-2 साल मतलब अच्छी ब्रीडिंग ले सकता है उस बकरी से। जी जी। हाँ, थोड़े और दिखाओ अपनी बकरी। अच्छा, दूसरी ये बकरी है, अभी आई है उनके साथ, काफी अच्छी लेंथ की बकरी है। कितनी हाइट में होगी इसकी? 40 हाइट है। इधर फेस करना जरा। 40 इंच कद है और लंबाई, मेन लंबाई देखो कितनी ज्यादा, बहुत लंबाई की बकरी है। ये वाली लंबाई है, प्योर ब्रीड में है। प्योर ब्रीड में है। अच्छा, और आंखें, ये दांत भर रखे इसने। हाँ हाँ। छठे प्याज की है, लेकिन थोड़े कान है। हाँ, फुल क्वालिटी में है पूरी, बहुत जोरदार। पंच फेस, मेनली पंच फेस देखो इसका, कितना हाँ, बढ़िया पंच फेस है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फेस है। हाँ, एकदम ब्रीडर जैसी दिखने वाली बकरी। हाँ, ब्रीडर जैसी। अच्छा, ये है 6 दांत पार्ट, 37.5 इंच का है। अच्छा। हाँ, छठे दांत पूरे भी नहीं किए अभी। हाँ हाँ। 37.5 इंच का है, एक बार ब्याह चुकी है ये। अच्छा। हाँ, अपने पास कब से है? अभी इन बकरियों के साथ ही आई है। साथ ही आई है। हाँ, 1.5-2 महीने करीबन। हाँ हाँ। अभी प्रेग्नेंट है ये? हाँ, अभी प्रेग्नेंट है, लगी हुई है जी। बट इसकी श्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि 15-20 दिन की कोई श्योरिटी नहीं होती भाई। अच्छा, 15-20 दिन की। हाँ। है। अच्छा, ये बकरी है, हाइट छोटी है लेकिन दूध में बहुत अच्छी है। दो बच्चियों को जन्म दिया था, एक मॉडल टी होगी इसकी। हाँ हाँ। लेकिन कानों की लेंथ देखो आप, बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए ब्याह हुए इसको? हुआ 1.5 महीना करीबन। 1.5 महीना हुआ है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, मैं बकरियों का दूध निकाल के हाँ हाँ और सेल कर देता हूँ भाई। अच्छा। क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बच्चा दूध हजम को ज़्यादा दूध नहीं पिला, हजम कर नहीं पाता। जितना उसके पानी पिलाओ गर्मियों में, दस्त लगने के चांस। हाँ, दस्त लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये कितनी उम्र में होगी? कौन सी ये? हाँ, ये जवान बकरी है बिल्कुल, बिल्कुल 8 दांत फ्रेश है। हाँ, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है। अगले ने तीसरे की बोल के दिया, आप चौथा ब्याह भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी सुंदर रंग में। एक ये बकरी देखो कितना प्यारा कलर है इसका। लेंथ देखो इस बकरी की। ब्रीड में तो कोई कमी है नहीं, बिल्कुल प्योर ब्रीड में है। अब बोलने को तो दुनिया है भाई, कुछ ही कुछ भी बोलते हैं। थोड़ा फेस इधर करना इसका। हाँ, काफी बढ़िया कान है, हाइट वगैरह कान भी अच्छे है, मेनली लेंथ। हाँ, 38 इंच का फित्ता मार के इसका, हाइट लेंथ काफी बढ़िया। प्रेग्नेंट है? बिल्कुल फ्रेश दांत। हाँ, 1 महीने 5 दिन की। अच्छा, एक अपने पास मेन आके हुई है ना? हाँ, अपने पास ही आके हुई है। मेन बात, मेन बात अपनी एक है कि हाँ, अपना सारा कुछ बायोडाटा, अगर 10 दिन की भी प्रेग्नेंट है तो कॉपी में नोट मिलेगा। और वैक्सीन ये नहीं है कि रखी है। हाँ, वैक्सीनेशन भी आपको मिलेगी, डिवार्मिंग कब की है, सारा कुछ बायोडाटा आपको कॉपी में नोट मिलेगा। अच्छा, एक व्हाइट बीटल है आपके पास? हाँ, ये बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर में, गुलाबी चमड़ी में।
बड़ा नायाब नगीना ले रखा है ये तो। इसके कानों की मोटाई देखो आप, बहुत अच्छे मोटे कान है, चौड़े भी है और मोटे भी है। और ये देखो पिंक स्किन, बिल्कुल काफी बड़ी पंचफेस है। पंचफेस सिंगों की बनावट काफी अच्छी बकरी है, 38 इंच का था इसका एक थन में थोड़ी सी प्रॉब्लम पीछे से हुई आई है, लेकिन आप सेट कर देंगे इसको। अच्छा, ये नींबू वगैरह खांड वगैरह देसी खांड वगैरह पिलाएंगे तो हो जाएगा सर। प्रेग्नेंट है क्या ये? हाँ, अभी प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, कितने दिन की है ये? भी ये 25 दिन के करीबन, 25 दिन एक महीना बस। अच्छा। अपने यहाँ आके हुई है 5 बकरियाँ, एक ब्याई हुई थी और दो पीछे से प्रेग्नेंट है। एक तो वो बड़ी वाली बकरी भूरी और वो वाइट में, वो वाली, और एक और बकरी है। अगर ये बकरी मेल बच्चा देती है तो हाँ, बहुत जोरदार बच्चा आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा आएगा, है ना, टॉप क्वालिटी का वाइट एकदम। अगर ब्रीडर रखा जाए तो बहुत जोरदार लगे। अच्छा, इन नई वाली बकरियों में साथ में एक ये भी है। अच्छा हाँ, काफी अच्छे कानों की लेंथ। ये देखो तो पंजाब से लाई हुई, 17 से 18 इंच के कान है इसके आराम से। हाँ, पंजाब से अब की बार मैं खुद जाके लाया हूँ भाई। अच्छा, इसका भी 37.5 इंच कद है। और दूध वगैरह की रिपोर्ट इसके पीछे अच्छी है, बाकी अब देखो आगे। प्रेग्नेंट है ये अपने को तो यही महीने के आसपास, ये भी महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। अच्छा जी, तो आपके पास आके ही प्रेग्नेंट हुई? सबसे पुरानी अपनी बकरियों में ये है अपने पास। अच्छा हाँ, बकरियों में जो स्टार्टिंग में आप 4 ली थी उनमें से है ये। हाँ, और जिसका बच्चा अभी आप तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कानों की लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है, बकरी की कॉम्पैक्ट साइज है, ये नहीं बोल सकते, 34 इंच का था इसका। हाँ। लेकिन दूध में बहुत अच्छी है। और ये पीछे खड़ा, ये नायाब नगीना दिया इसने, तैयार कर रहे हैं आप? हाँ, दो दांत बच्चा है अभी। और महेंद्रगढ़ में इसका चौथा स्थान आया था अभी पीछे। हाइट भी कितना होगा? हाइट 39, दो दांत में है। हाँ, दो दांत में 39 इंच का है, 39 का है इसका। काफी अच्छा बच्चा है, बहुत विकसित टेस्टिकल है। हाँ, काफी बढ़िया है, अभी तो बकरा बनना है इसको। बिल्कुल जेट ब्लैक है। हाँ, बिल्कुल, कहीं पे भी वाइट फेस। हाँ, फेस और सिंगों की बनावट, मेन माथा देखो, ऊंचे माथे वाला बोलते हैं इसे पाकिस्तानी जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल वाइट आइज में है जी जी, पंच फेस और अच्छे से दांत दिखा दो, दो दांत अभी निकाल दो। बिल्कुल दो दांत है। हाँ, कई बोलते हैं कि कुछ। तो विक्रम, ये वाली बकरी कब से है? ये वाली बकरी अपने पास स्टार्टिंग से ही, मान लो आप 2-3 महीने बाद ले आया था मैं। अपने को तीन चार बकरियां इकट्ठी ली थी अपन ने, उनमें एक ये थी तो, और कितनी एक ये सामने खड़ी है ये वाली, ये तीसरे ब्यात की, अब की बार तीसरे ब्यात ब्याई थी अपने पास। अब आगे चौथे ब्यात में ब्याएगी। आंखें तो सफेद है, चेहरा भी सही है, लेकिन कान का साइज थोड़ा छोटा है। कान का साइज थोड़ा छोटा है, बट अभी पीछे 2.5 महीने का इसका बच्चा बेचा अपने 14,000 रुपये का। 2.5 महीने का 14,000 का, काफी अच्छा बच्चा था, सेम यही डिटो कॉपी था। ये देख लो। अच्छा, ये किसका बच्चा है? ये अपनी उस बकरी का बच्चा है, ये सामने खड़ी, ये सामने वाली का। हाँ, अच्छा, इसका है, इस बकरी का बच्चा है वो। और वो आप तैयार करेंगे आगे नेक्स्ट। सिंगल बच्चा था क्या? हाँ, सिंगल बच्चा दिया है, लेकिन हाँ, इसने दो बार मैंने अपनी आंखों से देखा, तीन तीन बच्चे दे रही थी, तीन तीन बच्चे दी। हाँ, दूध में भी अच्छी है बकरी। हाँ, कमजोर है। हाँ, थोड़ी कमजोर है, कमजोर भी इस वजह से पीछे तीन तीन बच्चे दिए इस कारण। और कानों कुनों की लेंथ इसकी भी बहुत अच्छी है, बढ़िया है, 39 इंच का फीता मार के। तो वो बच्चा तैयार कर रहे हो आगे? हाँ, वो तैयार करेंगे ब्रीडर के लिए, अभी तो 2.5 महीने का बच्चा है। हाँ, और धीरे धीरे आप तैयार करेंगे उसको। तो अगर कोई भाई लेना चाहे तो सेल भी कर देंगे इनको? हाँ, सेल कर देंगे अगर किसी भाई को चाहिए हो तो। बट ऐसे बार बार फोन करके ये परेशान ना करे कि 10,000 में बीटल, 12,000 में बीटल, पूरी बड़ी बकरी 10-12,000 में बीटल कोई नहीं देगा भाई। हाँ, हाँ। प्योरिटी होगी तो जी, क्योंकि मैं खुद लाता हूँ, मेरे को पता है, मेरे को ही नहीं मिलती। बिल्कुल। हाँ, अब ये बकरी एक थन की है मेरी, 37,000 रुपये की खरीद है ये, काली वाली किसकी, 40 इंच का था इसका। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, कुछ कमाया भी है इनसे? हाँ, बहुत कमाया, जो लगाया था पीछे वो आपने सारा कुछ दे दिया। हाँ, और कुछ पैसे घर वालों को भी दिए। हाँ, हाँ। या फिर बीच में अपने पशुओं में भी इन्वेस्ट किए।
जैसे पशु बिक गए अपने, बच्चे बच्चे सेल हुए, तो उन पैसों से और पशु ऐड कर दिए इनमें, और शेड वगैरह भी बनाया, और शेड 70-80 हज़ार रुपए शेड पे भी लगाए। सोच तो ऐसे रहे कि 50-60 बच्चे बकरियों के साथ ऐड कर ले, जैसे पाठ ले आते 7-8 महीने के, तो धीरे धीरे तैयार करके अपनी ब्रीड बना के, क्योंकि ब्रीडर अपने पास बहुत अच्छा है, मतलब काफी बढ़िया धंधा लगा है, आप इसको बढ़ाना चाहेंगे आगे? हाँ, काफी अच्छा ब्रीडर है अपना, बच्चे भी अच्छे देता है, और बकरिया भी अभी नई ऐड हुई है तो बकरिया भी अच्छी है, और ब्रीडर एक और ले आएंगे अच्छा, और धीरे धीरे तैयार भी कर रहे हैं अपने, ब्रीडिंग पे काम करेंगे। हाँ, ब्रीडिंग पे करेंगे, जब तक मतलब करना है तब तक ब्रीडिंग पे करना है, ये नहीं है कि खस्सी बकरे वगैरह तैयार नहीं करेंगे, अभी तक कोई सवाल नहीं है इसका। अच्छा। हाँ। तो अपने पास में जैसे दूध की क्षमता कितनी हो इन बकरियों की? अपने पास जो दिखाई जिसका बच्चा तैयार कर रहे हैं पास, स्टार्टिंग से अपने पास है बकरी, वो 4.25 लीटर दूध निकाला है उसने अपने पास। कितना? 4.25 लीटर। 4.25 लीटर दूध? ये वाली बकरी है, ये वाली। हाँ, ये वाली बकरी 4.25 लीटर तक दूध दे रही है आपके पास में। अच्छा, काफी अभी कुछ गर्मी ज्यादा करके और कुछ 2-2.5 महीने की मतलब प्रेग्नेंट भी है, और 2.5-3 महीने की ब्याई हुई भी हो चुकी है, तब करके थोड़ा सा बाकी अच्छी अडर क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी। हाँ, कणों की क्वालिटी बड़ा है, तो बहुत बढ़िया जानवर रख रहे हो विक्रम भाई। हम भी चाहेंगे कि आपका फार्म इसी तरह से तरक्की करे, मतलब ऐसे भाई की मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और कुछ आप जैसे भाइयों का साथ रहेगा। हाँ। और कुछ भगवान का साथ रहेगा तो धीरे धीरे आगे ग्रोथ ही करेंगे। जी, बढ़िया है। तो दोस्तों, आपने भाई विक्रम भाई की बकरियां देखी, एक एक करके देखी हैं, बकरियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना भाई सुझाव डालना, भाई क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं इस फील्ड में, उसके बारे में ज़रूर जानकारी देना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।